चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दुनिया के दो महाबली मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। दो पड़ोसियों की इस मुलाकात से रिश्तों को नई गर्माहट मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस मुलाकात की वजह से भारत में गहमा गहमी है तो उधर भारत के एक और पड़ोसी में खलबली मची हुई है। अब तक पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा से बचाने की कोशिश करने वाले चीनी राष्ट्रपति भारत में हैं और इस बीच पाकिस्तान पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। खतरा ऐसा कि इससे पाकिस्तान कंगाल हो सकता है, दाने दाने को मोहताज हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की तरफ से ब्लैकलिस्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। FATF की ओर से ब्लैकलिस्ट किए जाने का मतलब होता है कि संबंधित देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जंग में सहयोग नहीं कर रहा है। इससे पहले पिछले साल जून में FATF ने पाक को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और उसे अक्टूबर 2019 तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया। ऐसे में पाकिस्तान को अब अपनी करनी की सजा मिल सकती है। ये वही पाकिस्तान है जिसने सालों तक आतंकियों को पाला है, उन्हें ट्रेनिंग दी है। इमरान खान ने कई मंचों से इस गुनाह को कबूला भी है। The Pakistani Army, ISI trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. पाकिस्तान ने सालों से जिस आतंकवाद को पाला है, अब वो उसके लिए भस्मासुर बन गया है। आतंक के आका पाकिस्तान पर अब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जंग में सहयोग नहीं करने के आरोप में बैन लगने की तैयारी चल रही है। ब्लैक लिस्ट में शामिल देश को वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच जैसी एजेंसियां उसकी रेटिंग भी घटा सकती हैं। अब यही खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। 12 से 15 अक्टूबर के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक पेरिस में होगी, जिसमें पाक पर फैसला होगा। अगर पाकिस्तान को FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस बैठक से पहले पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान बैठक से पहले चीन पहुंचकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद की गुहार लगा आया है। अब ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान आतंकियों पर नकेल कसने का दिखावा कर रहा है। आतंकियों के हमदर्द पाकिस्तान ने एक्शन का दिखावा शुरू कर दिया है। पाक ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग करते हुए लश्करे तैबा के 4 टॉप आतंकियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। उन्हें टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिन 4 को अरेस्ट किया गया है उनकी पहचान प्रोफेसर जफर इकबाल, यहया अजीज, मोहम्मद अशरफ और अब्दुल सलाम के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के CTD के एक प्रवक्ता ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, क्योंकि प्रतिबंधित संगठन लश्कर के मुख्य आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। CTD ने कहा, जमात उद दावा लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद पहले से ही टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है। अब इस संगठन के मुख्य लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। CTD ने कहा कि लश्कर के सदस्यों ने फंड का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बनाने में किया और फिर इन संपत्तियों के माध्यम से आतंक के लिए और फंड जुटाया। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले ही FATF से जुड़े एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने माना था कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267 को लागू करने के लिए सही कदम नहीं उठाए। उसने UN द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों हाफिज सईद, मसूद अजहर और LET, JUD और FIF जैसे आतंकी संगठनों को लेकर नरमी बरती और ठोस एक्शन नहीं लिया। हाल ये है कि पाकिस्तान इन आतंकियों पर लगाम लगाना तो दूर, इन्हें ट्रेनिंग देकर
भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें सरहद पार कर भारत भेजने की साजिश रच रहा है। पीओके में हुई एक रैली में तो इमरान ने खुलेआम लोगों को उकसाते हुए कहा था कि सरहद कब पार करना है वो उन्हें बताएंगे। मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब यही इमरान दुनिया को झांसा देने के लिए, आतंक पर लगाम लगाने के लिए आतंकियों की गिरफ्तारी का दिखावा कर रहे हैं। भले ही ब्लैक लिस्ट होने के डर से दिखावे के लिए पाकिस्तान ने लश्कर के टॉप 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया हो, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत में आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों में सबसे बड़े चेहरों में शामिल मसूद अजहर को चोरी छिपे जेल से आजाद किया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को गिरफ्तार किया था, उसे भी छोड़ने की तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक का इंतजार कर रहा है ताकि उसकी कार्रवाई से बचा जा सके। इस बैठक के बाद हाफिज सईद को छोड़े जाने की भी तैयारी है। पाकिस्तान इस वक्त बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है, उसके आवाम को दो वक्त की रोटी मिलना भी मुहाल है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में पैसे खर्च कर रहा है। कश्मीर पर झटपटा रहे पाकिस्तान की हालत उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है जो खतरा देखकर अपना मुंह रेत में छिपा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया है। कश्मीर के मसले पर भारत को बार बार युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत इस कदर खराब है कि युद्ध लड़ना तो दूर, अगर उसने अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया तो घर में ही गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी। अपनी जनता के लिए खर्च होने वाले पैसे को पाकिस्तान आतंकवादियों पर खर्च कर रहा है, भारत विरोधी मुहिम पर अरबों रुपए बहा रहा है। यही कारण है कि एक और जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है, लोग भूखमरी की हालत में पहुंच गए हैं। नया पाकिस्तान के वादे के साथ सत्ता में आए इमरान खान के एक साल के ही शासन काल में देश की इतनी दुर्गति हो चुकी है जितनी कभी नहीं हुई थी। इमरान ने पाकिस्तान को आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है और मुल्क कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। नई सरकार के शुरुआती एक साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड कर्ज लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार के एक साल के कार्यकाल में देश के कुल कर्ज में 7,509 अरब रुपए की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ने अगस्त 2018 से अगस्त 2019 के बीच विदेश से 2,804 अरब रुपए का और घरेलू स्रोतों से 4,705 अरब रुपए का कर्ज लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में पाकिस्तान के सार्वजनिक कर्ज में 1.43% का इजाफा हुआ है। संघीय सरकार का ये कर्ज बढ़कर 32,240 अरब रुपए हो गया है। अगस्त 2018 में ये कर्ज 24,732 अरब रुपए था। आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंक को बढ़ावा देने की उसकी नीति बदस्तूर जारी है। हाँ, दुनिया को धोखा देने की कोशिश के तहत वो कभी कभी ऐसी गिरफ्तारी करता है, लेकिन मामला शांत हो जाने पर फिर से इन आतंकियों को खुला छोड़ दिया जाता है आतंक फैलाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट,